नमस्कार दोस्तों, ओल्डी सिंफो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उसी तरह दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही सस्ता सैटेलाइट फाइंडर लेके आए मात्र आपको 300 रुपये में। और इस सैटेलाइट फाइंडर से दोस्तों मैं सभी प्रकार की डिश की सेटिंग करके आपको यहाँ पूरा लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। यह जो सैटेलाइट फाइंडर है बिल्कुल ही सस्ता सैटेलाइट फाइंडर है और इससे हम डीडी फिडिस, एयरटेल, टाटा स्काई, वीडियो कॉल, ये चार प्रकार की डिश की सेटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। और इस सैटेलाइट फाइंडर में आपको सिग्नल चेक करवाऊंगा, इससे मैं आपको टेस्टिंग कराऊंगा और इससे सिग्नल चेक करवाऊंगा कि किस तरह से हम इस सैटेलाइट फाइंडर से डिश की सेटिंग करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, फिर मैं आपको छत पर लेके चलूंगा, फिर मैं आपको पूरी सेटिंग दिखाऊंगा कि किस तरह से एक मात्र 300 रुपये के सैटेलाइट फाइंडर से डिश की सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो आप पूरा देखें। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं दोस्तों सैटेलाइट फाइंडर। तो यहाँ HR Sky कंपनी का ये सैटेलाइट फाइंडर है और साइट फाइंडर प्रो है और HR Sky है। और यहाँ इस सैटेलाइट फाइंडर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ 950 से 2150 मेगा हर्ट्ज इनपुट फ्रिक्वेंसी आप ये सपोर्टेड है। और यहाँ जो इसकी जो सेटिंग की बात करते हैं तो आप इसे KU बैंड, C बैंड दोनों ही प्रकार की डिस्क की सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ आप पीछे से देख सकते हो सी बैंड डिश बनी हुई है और कैसे हम इससे डिश की सेटिंग करेंगे पूरा मैं आपको बताऊंगा। अब इस पैकेट को हम खोल के आपको दिखाएंगे कि किस तरह का ये प्रोडक्ट है। तो ये देखिए दोस्तों, पैकिंग में आपको इस तरह का ये प्रोडक्ट मिलेगा। और जो इनकी लाइटों की बिलिंग की बात करते हैं कि किस तरह से हमें ये सेटअप है, तो यहाँ पूरा देख सकते हो आप कि यहाँ एक 2 LMB भी है, 2 रिसीवर भी है। तो यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 2 LMB है और साइड में जो पीछे वाली बात करते हैं तो 2 रिसीवर है, ये 2 रिसीवर है। और यहाँ 0 Hz लाइट है, 22 KHz लाइट, 13 वोल्ट, 18 वोल्ट। यहाँ आपको 4 लाइट मिलेगी। यहाँ एक कंपास मिलेगा जो बहुत ही बेहतरीन कंपास है। और यहाँ जो बटन की बात करते हैं, यहाँ जो DB रेंज सुई को कम और ज़्यादा करने के लिए आपको इसे यूज करते हैं। और पीछे की बात करते हैं तो पीछे का जो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पूरा जो सैटेलाइट फाइंडर के इनपुट, आउटपुट और फ्रीक्वेंसी, पावर कैपेसिटी सारे ही जानकारी आपको यहाँ दी गई है। और ये दोस्तों कितने DB तक सपोर्टेड है पूरी जानकारी आप पीछे देख सकते हो। यहाँ इसके कैप होती है और यहाँ कैप के पास में इस कैप में आपको 2 LMB लगेगा, साइड वाली कैप को 2 रिसीवर लगेगा। अब मैं आपको डिस्क की सेटिंग करके बताता हूँ इस सैटेलाइट फाइंडर में डिस्क की सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम छत पे आ चुके हैं और यहाँ मेरे पास एक सर्विस केबल है जो मैं LMB से कनेक्ट करूँगा। और यहाँ आप LMB से कनेक्ट कर दोगे, कोई भी डिश की सेटिंग करते हैं तो आपको जो मैन होता है LMB स्क्रू एंगल, उसका आपको ध्यान रखना होगा। मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ दोस्तों मैंने LMB कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको एयरटेल डिस्क की सेटिंग कराऊंगा। एयरटेल के आपको स्क्रू एंगल -50 रखना होगा, इस तरह से आपकी पोजिशन रहेगी। और ये जो सबसे सस्ता जो 300 रुपये वाला मीटर है, इसकी इससे मैं आपको सिग्नल सेटिंग करके बता रहा हूँ कि कैसे हम सिग्नल सेटिंग कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए आप। ये देखिए मैंने यहाँ इसको खोल लिया है और इस पे एक रिसीवर होता है, एक LMB होता है। तो LMB पे हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब जो सेटअप बॉक्स केबल आ रही है वो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी। अब ये मैंने कनेक्ट कर दी है तो अब ये देखिए कैसे आपको सिग्नल सेटिंग करनी है। यहाँ बटन होता है इसकी रेंज कम करने का, यानी DB कम करने का। यह DB कम करने का बटन है, ये देखिए यहाँ से हम DB कम करेंगे। और आपको DB करना है 5 के और 6 के बीच में DB करना है। ये देखिए 5-6 के बीच में आप DB कर लो, इस DB के हिसाब से आपको रखना है। अब मैं आपको सिग्नल सेटिंग करके बता रहा हूँ एयरटेल डिश। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम जो एयरटेल की डिश की सेटिंग करते हैं, ये डिश मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, छत पे है। और यहाँ देखिए आपको धीरे धीरे करना है। ऐसे धीरे धीरे सिग्नल सेटिंग करनी है। ये आपका एयरटेल डिश आ चुका है, ये देखिए। एयरटेल सबसे अलग आएगा और डिश आपकी झुकी हुई रहेगी। अब इसमें आप थोड़ा सा इसकी रेंज कम करके देख लो। अब यहाँ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा और कम करके देख लो। और एक्यूरेट मैं आपको एयरटेल का सिग्नल चेक करके बता रहा हूँ।
यहाँ मेरा डिश सेटअप है और यहाँ मैं अब आपको एयरटेल का सिग्नल चेक करवा रहा हूँ, एयरटेल का सिग्नल आया है या नहीं है। ये मीटर है मेरे पास, अब यहाँ देख सकते हो आप एयरटेल की फ्रिक्वेंसी और सिग्नल मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब पूरा लाइव मैंने आपको दिखाया है इस मीटर वीडियो में, ये देखिए पूरा लाइव मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ जो फ्रिक्वेंसी वगैरह आप देख सकते हो 11483 सिंबल है, 28800 क्वालिटी वी है। अब ये एयरटेल का सिग्नल आ चुका है एक कांटे वाले मीटर से। अब मैं आपको डीडी फीड्स के सिग्नल चेक कर कर बता रहा हूँ। तो यहाँ हमारा एयरटेल डिश रहेगा। अब एयरटेल डिश से हम जो डीडी फीड्स के सिग्नल है वो कैसे मिलाएंगे, तो ये मैंने मीटर बंद कर दिया है। अब मैं आपको डीडी फीड्स का सिग्नल बताता हूँ। अब यहाँ अब डीडी फीड्स के लिए -28 कर देंगे। यहाँ मैंने एलएमबी स्क्रू एंगल चेंज कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ आप यहाँ एयरटेल आ गया। अब इससे थोड़ा सा इधर लेके ऊपर उठाएंगे तो वीडियो उस डीडी फीड्स आएगा। ये देखिए अब इसकी सुई डाउन हो गई ना, तो इसको 5 पे कर दो आप, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखिए ये आपका डीडी फीड्स आ गया है। अब डीडी फीड्स के सिग्नल मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये मीटर है और यहाँ आप देख सकते हो हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सिग्नल मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और यहाँ आपको डीडी फीड्स के सिग्नल देख सकते हो, ये देखिए यहाँ मीटर में आपको चेक करवा रहा हूँ डीडी फीड्स के सिग्नल। अब यहाँ देखो डीडी फीड्स के सिग्नल हमें मिल चुके हैं। डीडी फीड्स का फ्रिक्वेंसी है आप नोट कर सकते हो 110.29500 क्वालिटी वी। अब मैं आपको वीडियो को सेट करके बता रहा हूँ। अब यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ मीटर को, और ये कांटे वाला मीटर आपको लगाता हूँ। अब मैं वीडियो को सेट करके बता रहा हूँ आपको। कांटे वाला मीटर मेरा लगा हुआ है, यहाँ डिश रहेगी डीडी फीड्स पे, इससे थोड़ा सा इधर लेके ऊपर करेंगे, ये देखिए ये हमारा वीडियो कॉन आ चुका है। अब वीडियो कॉन के सिग्नल मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए वीडियो कॉन के सिग्नल हमें मिल चुके हैं, और वीडियो कॉन का जो सिग्नल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ वीडियो कॉन का सिग्नल आप देख सकते हो, टीपी फ्रिक्वेंसी 111164 और 44995 क्वालिटी वी, ये वीडियो कॉन की फ्रिक्वेंसी है। अब मैं आपको जो टाटा स्काई है वो सेट करके बता रहा हूँ। पूरा वीडियो से आप बनते रहिए कि इस कांटे वाले मीटर से हम कैसे डिश की सेटिंग करते हैं। तो यहाँ हमने यहाँ वापस कनेक्ट कर लिया है, और फिर हम यहाँ हमारा वीडियो कौन है इससे थोड़ा लेके ऊपर उठाएंगे, टाटा स्काई आएगा। देखिए ये हमारा टाटा स्काई आ गया आ चुका है, और यहाँ एलएमबी स्क्रू एंगल कम कर देंगे, और मैं आपको सिग्नल चेक करवा देता हूँ इसके भी।
यहाँ टाटा स्काई के सिग्नल आप चेक कर सकते हो। ये देखिए टाटा स्काई का फ्रीक्वेंसी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, 1130। यहाँ 1130 पोले टी वी सिम्बल लेट 32720 ये आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हम इस कांटे वाले मीटर से सभी डिश की सेटिंग कर सकते हैं, और मैंने आपको डिजिटल सेटेलाइट फाइंडर में चेक करवाया सभी सिग्नल। और यहाँ जो सिग्नल सेटिंग का जो तरीका है, आपको इसकी जो सुई है, जो डीबी है, आपको 5 के और 6 के बीच में रखना है। और जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है वैसे आप डिस्क सेटिंग कर सकते हो। अब जल्द ही दोस्तों मैं सबसे छोटा जो सेटेलाइट फाइंडर है कांटे वाला, मात्र 250 रुपये वाला, उसकी हम आपको सभी प्रकार की डिस्क सिग्नल सेटिंग कैसे करते हैं तो उसका भी मैं आपके लिए वीडियो, नेक्स्ट वीडियो उसी का ही लाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पूछना है या कुछ चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए।